दोस्तों गुड मॉर्निंग, आ चुका है 4 सितंबर 2019 और आज बुधवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हर न्यूज़पेपर हर वेबसाइट को हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी न्यूज़ आपको दी जाए, कौन सी न्यूज़ आपके काम की है, तब जाके वीडियो तैयार हो पाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस मेहनत का फल देना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों पर समाज कल्याण विभाग ने मंत्री को दी रिपोर्ट। 45 से 50 वर्ष तक की सेविका बन सकेंगी पर्यवेक्षक। और ये निकल कर आ रही है झारखंड के रांची से। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ व यूनियन के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पहले भी कई बार हुई तथा अभी 16 अगस्त से जारी इस हड़ताल के संदर्भ में विभागीय मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी को रिपोर्ट दी गई है। इसमें आंगनबाड़ी कर्मियों को 14 मांगों पर अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ाने संबंधी मांग पर कृत कार्रवाई में बताया गया है कि 30 सितंबर 2018 तक सेविकाओं को 4400 रुपए तथा सहायिका को 2200 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता था, जो बढ़ाकर क्रमशः 5900 रुपए तथा 2950 रुपए कर दिए गया। वहीं लघु आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय भी पूर्व के 2950 रुपए से बढ़ाकर 4200 रुपए कर दिया गया। इस मानदेय व अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने से सरकार पर प्रतिमाह करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। सेविका को महिला पर्यवेक्षिका बन सकने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की मांग के संबंध में बताया गया कि जनरल कैटेगरी अति पिछड़ा वर्ग व पिछड़े वर्ग की सेविका के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष तथा SC/ST के लिए 50 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। पहले जनरल के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष तथा SC/ST के लिए 42 वर्ष थी। यह सूचना भी दी गई है कि आंगनबाड़ी सेविका को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए पर्यवेक्षिकाओं के 25% पद पर भर्ती के बिंदु पर योजना सह वित्त विभाग ने आपत्ति की है तथा इस संबंध में कार्मिक से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त करने की सलाह दी है। इसके आलोक में संचिका कार्मिक विभाग को भेजी गई है। डॉक्टर लुईस मरांडी ने आंगनबाड़ी कर्मियों की अन्य मांगों पर विभाग की कार्रवाई को बताते हुए कहा कि सेविका सहायिका को यात्रा भत्ता मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन है। आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से 65 वर्ष करना, इस संबंध में विभाग ने प्रस्ताव गठित कर योजना सह वित्त विभाग को भेजी थी। वित्त ने कुछ बिंदुओं पर सवाल पूछे थे, इसका निराकरण कर संचिका फिर वित्त को भेजी गई है। आंगनबाड़ी कर्मियों की मृत्यु पर अनुकंपा पर उनके परिवार वालों को नियुक्त करना मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन है। चिकित्सा भत्ता की सुविधा देना मामला विभाग के विचाराधीन है। चयन मुक्त कर्मियों को वापस सेवा पर रखना भी मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। सरकारी कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश विभागीय संकल्प द्वारा 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राप्त है। गर्मी छुट्टी का प्रावधान निदेशालय के पत्रांक द्वारा संबंधित आदेश निर्गत कर दिया गया है। लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय अन्य सेविका के बराबर करना, इस मामले में विभागीय स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। सेविका सहायिका की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन निदेशालय के पत्रांक द्वारा निर्देश निर्गत है। आंगनबाड़ी कर्मियों को साड़ी के साथ पेटीकोट उपलब्ध कराना मांग स्वीकृत है, निविदा निकाल दी गई है और आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। हड़ताल अवधि का समायोजन कर भुगतान करना समाज कल्याण निदेशालय से प्रस्ताव गठित कर संचिका वित्त को भेजी गई थी। वित्त ने कार्मिक से सलाह लेने को कहा है, अब संचिका कार्मिक को भेजी गई है। पहले जिन मांगों पर निर्णय हो चुका है उन्हें जोड़कर जो दूसरी मांगे हैं उन पर संघ के साथ मंगलवार को बैठक हो सकती है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड से। यहाँ पर लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर डटी हुई हैं। इसी को लेकर डॉक्टर लुईस मरांडी मंत्री समाज कल्याण शहर कल्याण की तरफ से काफी कुछ जानकारी दी गई है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो विभाग के विचाराधीन है और कुछ मामलों में बहुत ही जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका हक मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। चलिए चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। आशा सहयोगियों को ANM बनने को मिलेगा मौका, जाने प्रक्रिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा ANM पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त आशा कार्यकर्ता तथा सहयोगियों की पद स्थापना होगी। इसके लिए शासन ने शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं से ANM का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की सूची तैयार की है तथा काउंसलिंग के लिए 16 सितंबर 2019 को भोपाल बुलाया गया है। NHM मिशन संचालक छवि भारद्वाज के निर्देशन हुआ, यदि किसी आशा सहयोगी ने हाल ही में ANM प्रशिक्षण पूरा किया है हो अथवा ANM प्रशिक्षण प्राप्त किसी आशा सहयोगियों का नाम विभाग द्वारा संकलित सूची में शामिल नहीं हो सका हो, वह उम्मीदवार भी आवश्यक दस्तावेज के साथ काउंसलिंग कार्यालय में शामिल हो सकेंगी। इस संबंध में जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर से समन्वय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। DCM मनोज राय ने बताया कि ऐसी आशा अथवा सहयोगी जिन्होंने ANM कार्यक्रम का शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त
किया है, वह संविदा एएनएम पदों पर काउंसलिंग में शामिल हो सकती हैं। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे पंचायत द्वारा जारी आशा चयन का पत्र, बीएमओ द्वारा आशा चयन के लिए ग्राम पंचायत को प्रेषित पत्र, जन्मतिथि प्रमाणी पत्र, जन्मतिथि प्रमाणीकरण के लिए हाई हायर सेकेंडरी स्कूल की अंकसूचिका, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, राज्य नर्सिंग काउंसलिंग मध्य प्रदेश का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र, शासन द्वारा मान्य पहचान पत्र आदि। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के ज्योति व फूले नगर से। बाधा निभाओ आंदोलन में गर्जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रांतीय आह्वान पर योगी सरकार बाधा निभाओ आंदोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हक के लिए आवाज बुलंद की। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को देते हुए चेताया, यदि उनकी मांगों का इस माह निराकरण नहीं हुआ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 अक्टूबर को गांधी मूर्ति पर धरना देकर उपवास करेंगी। जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सत्यबाला चौधरी ने कहा कि लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए उन्हें पूरा वेतन फंड व पेंशन आदि दी जाए, न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए और परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन भत्ते की शर्त भी हटाई जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पड़े पदों पर सहायिकाओं का प्रमोशन करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य के प्रधानाध्यापक द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों की उपस्थिति प्रमाणित करने के आदेश के वापस लेने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बयान तले जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेताया, यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह 1 अक्टूबर को गांधी मूर्ति पर उपवास रहकर धरना देंगी। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। कल सम्मानित होंगी आशा बहुएं। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली आशा बहुओं को 4 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा व सूचना अधिकारी योगेश रघुवंशी ने दी। योगेश के मुताबिक हर ब्लॉक से 3-3 आशा बहुओं का नाम भेजा जाता है। सीएससी के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली आशा बहुओं का चयन करते हैं। सम्मेलन में हर ब्लॉक की आशा संगिनियों को भी सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा के करनाल से। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर ने आंदोलन तेज करने का दिया अल्टीमेटम। सीटू व सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने सरकार को चेताया कि 3 सितंबर को महिला एवं बाल विकास परियोजना मंत्री ने बातचीत के दौरान मांगों को लागू नहीं किया तो अगले दिन बुधवार से आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। 7वें दिन वर्करों व हेल्परों ने उमा शमर व सुमन की अध्यक्षता में धरना दिया। जिंदगी वर्कर धरना स्थल पर पहुंची। बिजनेस व सुमन ने कहा कि अगर सरकार आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों की अनदेखी कर रही है, जायज मांगों को लटकाया जा रहा है, यूनियन और सरकार के बीच हुए समझौते को लागू किया जाना चाहिए। 8 सितंबर को आक्रोश रैली में वर्कर व हेल्पर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। सांसद की अगुवाई में मंत्री से मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सांसद डुमरियागंज की अगुवाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश की महिला विकास एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं को विभागीय कार्य के लिए स्मार्टफोन में रिचार्ज खत्म होने के बाद कोई सुधी न लेने, पुष्टाहार की गुणवत्ता की जाँच व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न के मुद्दे पर मांग पत्र सौंपा, जिस पर उन्हें मंत्री की ओर से ठोस आश्वासन दिया गया। सोमवार को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में आंगनबाड़ी कर्मी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले प्रतिनिधिमंडल प्रदेश की महिला विकास एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह से मिला। इस दौरान सिद्धार्थनगर समेत पूरे प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश मंत्री व जिला अध्यक्ष प्रभावती देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस तो कर दिया गया, पर प्रथम बार के बाद कई महीने से डाटा नेटवर्क के लिए रिचार्ज नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा पुष्टाहार की गुणवत्ता भी खराब है, वितरण की स्थिति बस से बदतर हो गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्पन्न किया जा रहा है, पिछले स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री ने सभी बिंदुओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के खूंटी से। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। जिले भर के 810 आंगनबाड़ी सेविकाओं और 800 सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार से शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जुटे आंगनबाड़ियों ने समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मांगों को लेकर नारे लगाए। लोगों का कहना है कि लंबे समय से उनके व्यापक काम लिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के नाम पर सिर्फ बातें की जाती हैं। अनिता ने कहा कि सरकार के द्वारा बार बार मानदेय समेत अन्य मांगे मानने का आश्वासन दिया जा रहा है, बावजूद इस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने जैसा मालूम पड़ता है। सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेते हुए सभी के मानदेय दूसरे राज्यों की भांति करना चाहिए। जिला अध्यक्ष सोमा कैथा ने कहा कि सरकार और राज्यपाल को इस संबंध में कई बार ज्ञापन सौंपा गया, बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब
एक बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।